हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि हर एक नए टॉपिक आता हूँ, आज है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं 12,000 रुपये का पूरा सेटअप, जो मैंने एक टैंक सेटअप करने का प्लान किया है, नया प्लैनेट टैंक सेटअप, जिसमें एंजल फिश और श्रिम्स होंगे। उसके लिए मैं सेटअप किया है, रॉक्स ड्रिफ्ट वगैरह सब मंगवाया मैंने। पूरा टोटल जो इसका बिल 12,000 रुपये का है। एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास 2 फीट टैंक है, जो मेरा प्लैनेट टैंक ऑलरेडी यहाँ पर है, आप देख सकते हो, मेरा वीडियो ऑलरेडी बनाया। अरोना के बाजू एक प्लैनेट टैंक है, उसके बगल में एक खाली जगह पड़ी है, तो वहाँ पर मैं ये टैंक रखने वाला हूँ। 2 फीट टैंक है, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, और साथ में पूरा ड्रिफ्ट, रॉक्स और सॉइल सब रखेंगे, और उसके अंदर एंजल फिश और श्रिम्स रखेंगे। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर। आपको दिखाऊंगा उसके प्राइस के सब बारे में सब बता देंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर अमेजन सॉइल है। अमेजन सॉइल 1 किलो में मैंने मंगवाया है। ये अमेजन सॉइल इसलिए मंगाया, इसके अंदर प्लांट्स मैं रखने वाला हूँ, प्लांट्स के लिए सेंटर में प्लांट्स और रॉक्स रखूँगा, तो उसके नीचे मैं अमेजन सॉइल डालूँगा ताकि वो प्लांट्स ग्रो हो सके। तो चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं हम टैंक से। सबसे पहले मैं टैंक बताता हूँ कौन सी है करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है, ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास है, ग्लू लेस का, इसके अंदर ग्लू नहीं होता है, मैं ओपन कर दिखाऊंगा। तो देख सकते हैं ये वाला जो ग्लू लेस है, यहाँ पर आपको कहीं भी ग्लू देखने के लिए नहीं मिलेगा। जो इसका सिलिकॉन गम होता है, वो सिलिकॉन गम देखने के लिए नहीं मिलेगा, और नॉर्मल ग्लास से एक्स्ट्रा बहुत क्लियर होता है। अब तक मैंने एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास नहीं रखा था, तो मैंने सोचा कि इस बार एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास का एक्वेरियम रख लेता हूँ। तो मैंने एक लोकल डीलर से लिया, जो बैंगलोर में है, बहुत अच्छे प्राइस में आपको मिल जाएगा। मैं सारे डिटेल्स आपको शेयर करूँगा कहाँ से मैंने लिया है। तो देखिए ग्लास ये है, 2 फीट का 5 mm ग्लास है, 2 फीट के टैंक का 5 mm ग्लास है, और क्लियर ग्लास है। इसमें अगर आप जो भी रखोगे, टैंक जो है नॉर्मल टैंक से भी ज़्यादा क्लियर लगेगा। जो नॉर्मल टैंक आता है उसमें थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगी, थोड़ा ग्रीन कलर लगेगा, लेकिन इसमें जो बहुत ही क्लियर लगेगा सेटअप करने के बाद, आपको समझ में आ जाएगी बात। तो अभी ये मैं एसेसरीज ओपन करने वाला हूँ, जो प्लैनेट टैंक के लिए मैंने ड्रिफ्ट और एसेसरीज मंगवाया है, वो मैं इसके अंदर ओपन करने वाला हूँ। पूरा एक ही डीलर से लिया मैंने, बैंगलोर का लोकल डीलर है, जहाँ पर आपको रिजनेबल प्राइस में आपको मिल जाएंगे एसेसरी, ऑल ओवर इंडिया डिलीवर कर देते हैं, वहाँ से लिया मैंने। तो यहाँ पर एक स्पॉन्ज फिल्टर है, जो मैंने अपने टैंक के लिए लिया है, ये आपको लगभग 400 रुपये मिल जाता है। और यहाँ पर है नॉइसलेस एयर पंप, तो ये वाला नॉइसलेस एयर पंप है, ये लगभग आपको मैं प्राइस देके आपको बता दूंगा, शायद 600 या 700 रुपये में मैंने मंगवाया है, बिल पूरी देखना पड़ेगा मुझे। और साथ में प्लांट्स हैं, यहाँ पर प्लांट्स, प्लैनेट टैंक के लिए मैंने मंगवाया है प्लांट्स, और ये रॉक्स, ताकि इसके थोड़ा बहुत अफवा स्केप करूँ। ये रॉक्स हैं, और ये वाला ड्रिफ्ट, सर बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रिफ्ट है, ये लगने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगेगा टैंक सेटअप करने के बाद। और यहाँ पर फर्टिलाइज़र, प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र जो लिक्विड होता है, वो मैंने मंगवाया है। और साथ में लाइट देखिए यहाँ पर है, जो एक्स्ट्रा प्लैनेट टैंक की लाइट है, ये प्लैनेट, ये लाइट जो है अप्रॉक्सीमेटली 1,500 की लाइट है, 1,500 का। और ये स्पॉन्ज फिल्टर मैंने मंगवाया है मेरी टैंक के लिए, जिसमें एक टैंक में खाली पड़ा था, तो वहाँ पर स्पॉन्ज नहीं था, सो वो मंगवाया है। ये टोटल टैंक और एसेसरीज पूरा 12,000 रुपये का है, और भी थोड़े एसेसरीज हैं, जैसा कि यहाँ पर सॉइल है, और मैंने 6 किलो सैंड मंगवाया है, साथ में मैंने सॉइल ही मंगाया है। देखिए ये 6 किलो सैंड है, सॉइल है, 6 किलो सैंड मिक्स है पूरा। बिल में शेयर करने वाला मेरे पास बिल मिल चुकी है, तो ये 1 बाय 1 शेयर करूँगा। ये जो एक्स्ट्रा क्लियर टैंक है 2 फीट का, इसका प्राइस है 4,000 रुपये, 3,990 रुपये डाला है उन्होंने। और हैंग ऑन बैक फिल्टर जो यहाँ पर है, ये वाला 400 रुपये का है हैंग ऑन बैक फिल्टर। और साथ में फर्टिलाइज़र जो है 180 रुपीस है, और एयर पंप जो है नॉइसलेस, ये 550 रुपीस है। इसमें नॉइसलेस आता है, इसमें साउंड नहीं आता है, अगर आप दो एक्वेरियम चला सकते हो तो 550 रुपीस है। और जो रॉक्स है यहाँ पर, ये वाला पगोड़ा स्टोन्स कहते हैं इसको, पगोड़ा स्टोन्स कहते हैं, 350 रुपीस के तीन है, 350 रुपये के, ये 350 के रॉक्स हैं, दिखाता हूँ मैं आपको ओपन करके। ये प्लैनेट टैंक के लिए ही होते हैं, तो देखिए इस तरह का रॉक्स होता है, इसको पगोड़ा रॉक्स कहते हैं, एक्वास्केपिंग के लिए यूज़ होता है, तो मैंने अपने प्लैनेट टैंक के लिए मंगवाया है। तो ये 350 रुपये का रॉक्स है तीनों मिला के। और नेक्स्ट बिल में है
ड्रिफ्टवुड 350 रुपये का है, ये वाला 350 रुपीज़ का ड्रिफ्टवुड है ये, बहुत ही कम अच्छा प्राइस है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि वैसे भी ड्रिफ्टवुड ज़्यादा रेट होता है, तो ये वाला बहुत कम में है ड्रिफ्टवुड। तो ये 350 का ड्रिफ्टवुड है। तो ये 350 का ड्रिफ्टवुड है, और जो यहाँ पर प्लांट्स हैं ट्वीज़र प्लांट्स, ये प्लांट ट्वीज़र है ये वाला, 180 रुपीज़ मंगवाया मैंने। यहाँ पर प्लांट्स एक्वास्केपिंग के लिए काम होता है, 180 रुपीज़ है ये, 180 रुपीज़ का ट्वीज़र है। और नेक्स्ट सॉइल जो है ये 300 रुपये का सॉइल है, यहाँ पर जो सॉइल लग रहा है अमेजॉन सॉइल, ये 300 रुपये का है, प्लांट्स के लिए इस्तेमाल होता है। और उसके अंदर 5 मीटर का एक एयर पंप है, और 5 मीटर के 2 पाइप है, मतलब 10 मीटर का वायर है वही मिलाकर। और लाइट जो है ये 1400 रुपये की है लाइट, 2 फीट टैंक के लिए 1400 की टैंक है। और यहाँ पर ये स्पॉन्ज फिल्टर, ये 160 रुपीज़ का है। और ये प्लांट्स, इसमें टोटल 3 प्लांट्स हैं, 3 प्लांट्स के 300 रुपीज़ लिया है उन्होंने, 3 प्लांट्स के 300 रुपीज़ हैं। तो अभी इसके अंदर देखिए इंक्लूडिंग अभी ये 12,000 रुपये की चीज़ें हो चुकी, इसमें और थोड़ा बाकी है, जैसा कि श्रिम्स हैं, श्रिम्स आएंगे और साथ में एंजल फिश, उसके भी पैसे ऑलरेडी मैंने पे कर दिया एडवांस में, तो अभी मैंने उसका पैसा भी मैंने पे कर दिया उनको, इंक्लूडिंग पूरा 12,000 रुपये का सेटअप है, तो 12,000 रुपये मैंने पे कर दिया। ये सेटअप होने के बाद हो सकता है 1 हफ्ता में इसको साइकिलिंग करो, सेटअप करने के बाद उसको श्रिम्स और एंजल फिश दोनों भेजेंगे, एंजल फिश 4 पेयर हैं, सॉरी एंजल फिश 2 पेयर हैं, 2 पेयर एंजल फिश और साथ में 10 लाइव श्रिम्स हैं, तो उसका मिलाकर टोटल जो है 12,000 रुपये का आइटम है। तो ये मैं सेटअप करूँगा आपको, सेटअप करके बहुत ही अच्छा वीडियो आने वाला है इसके ऊपर, हाउ टू सेटअप करके। और एक अच्छा, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है कि एक नया टैंक देखने को मिलेगा, एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास अभी तक मैंने रखा नहीं है, तो पहली बार एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास रखने जा रहा हूँ। तो एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास विद ड्रिफ्टवुड और विद लाइव प्लांट्स और एंजल फिश श्रिम्स, देखते हैं कैसा रहता है। आने वाले वीडियो में आपको दिखाऊंगा सेटअप करके किस तरह ये सब सेटअप होता है, लीजिए उनको। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए बाबा खुदा हाफिज़, नमस्ते।